नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पांच ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे इनकम टैक्स की सेक्शन 43B क्लोज एच को लेके। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो हो सकता है आपके ऊपर जो 15 या 45 दिन के बाद जो आपकी इनकम एड होने वाली है वो बच भी सकती है। अगर वो ना भी बचे तो आप अपनी कंपनी को जो टैक्स ऑडिट के होने दौरान होने वाली जो समस्या है उसको आप जरूर बचा लोगे। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी जो क्वेश्चन है अभी आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किए गए थे उन्हीं को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। और इन सभी पांच क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो के अंदर आए हैं सर CA बलवीर सिंह जी। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमारी ऑडियंस को सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब कंडीशन क्या है MSME के अंदर, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन ये भी है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इनकम टैक्स, GST, टैली, बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नए नए वीडियो लगातार मिलती रहेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे आ रहा है भी बहुत सारे जो अकाउंटेंट लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, इस बात को लेकर परेशान हैं भी हमें 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या ये आ रही है भी वो कह रहे हैं भी हमारे पास स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, पेमेंट देने के लिए हम समर्थ नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर हम गुड्स को रिटर्न कर दें, यानी कि हम हमारी अकाउंट्स के अंदर इसका डेबिट नोट इशू कर दें हमारे सप्लायर्स को? तो क्या हम अगर डेबिट नोट इशू करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कंडीशन उनके ऊपर लागू होगी? तो डेबिट नोट का एक बार आप उनको जरूर कंफर्म कर दीजिए भी डेबिट नोट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेबिट नोट वो इशू कर सकता है क्योंकि यदि वो उसका माल है जो उसने खरीदा है वो माल उसके यूजेबल नहीं है, हो सकता है उसका ख़राब हो गया माल, तो वो रिटर्न कर सकता है उसको माल को। लेकिन जब वो रिटर्न माल को करे तो वो 3B में जो GSTR 3B है उसमें उसके जो टैक्स उसने इनपुट पहले ले रखा था उसको वो रिवर्स करना होगा, और जिस पार्टी को माल जाएगा वो अपनी बुक्स में भी प्रॉपर एंट्री करे, यानी दोनों की बुक्स में प्रॉपर एंट्रियाँ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने तो लेस कर दिया स्टॉक में से और उस बंदे ने तो करा ही नहीं लेस, तो फिर उस केस में दुविधाएँ आ सकती है आपको। यानी आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं क्रेडिटर्स है मेरे 1,00,000 के, उसमें से मैंने 50,000 के रिटर्न कर दिए तो मेरे बुक्स में तो क्रेडिटर्स सिर्फ 50,000 के ही हैं। लेकिन अगले की बुक्स में यदि 1,00,000 के हैं तब दुविधा आ सकती है, यानी उसकी बुक्स में भी जो डेटर्स होंगे वो 50,000 के आ जाने चाहिए और आपकी बुक्स में जो क्रेडिटर्स है 50,000 के, ताकि रिकंसलेशन प्रॉपर हो, फिर आपको समस्या नहीं आएगी, अदरवाइज समस्या होगी। तो यानी कि जो ऐसे बिजनेसमैन अपना ये जुगाड़ लगा रहे थे कि हम हमारी बुक्स के अंदर डेबिट नोट की एंट्री कर देते हैं, CA कौन सा क्रेडिट्स की बुक चेक करने जाएगा, लेकिन अब हमें CA लोगों से जाते हमारा डिस्कस हुआ था, सर आपने ये बात भी बोली थी कि हम सेंट्रिक क्रेडिटर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट को बिल्कुल हम कन्फर्मेशन बिल्कुल पार्टी से मंगवाएंगे, क्योंकि यदि आपने डेबिट नोट कटा है तो क्योंकि 3B में भी आपने डिस्क्लोज करा होगा तो वो प्रॉपर बुक्स उसकी भी कन्फर्मेशन मंगाई जाएगी पार्टी की, ताकि रिकंसलेशन हो सके। तो एक आपसे ये भी निवेदन है भी जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाने जाओ CA के ऑफिस के अंदर तो आपके जितने भी सेंट्री क्रेडिट्स हैं उनसे आप अपनी स्टेटमेंट को एक बार जरूर वेरीफाई कर लें, उनसे अपने मेल से व्हाट्सएप पे उनका एक बार वार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने पास सेफ रख लीजिए, ताकि ऑडिट के दौरान आपको समस्या ना आए। और यहाँ तक कि आपको मतलब डेबिट नोट इशू किया है तो सामने वाला जो आपका सप्लायर है उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट भी इशू करेगा। तो क्रेडिट नोट अगर इशू करता है तो हमारे जो GST के जितने भी कंप्लायंस रहेंगे उसके अंदर ई वे बिल का है, ई इनवॉइस का है, तो वो भी प्रॉपर सही तरीके से तैयार किए हों, तभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो एंट्री प्रॉपर सही मानी जाएगी। तो सर सेकंड क्वेश्चन ये भी आ रहा है भी ऑलमोस्ट देखा जाता है भी ज़्यादातर जो लोग हैं अपने सप्लायर्स को पेमेंट देते हैं वो NEFT या नेट बैंकिंग से कर देते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो अपने सप्लायर्स को बाई चेक पेमेंट करते हैं, तो अगर वो चेक द्वारा पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको क्या ध्यान में रखना है? यदि कोई एक ऐसा इंडस्ट्री है जो चेक के द्वारा पेमेंट करती है तो उस केस में ये देखा जाएगा सबसे पहले कि जिस दिन वो चेक इशू कर रहा है, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ जो चेक करने की डेट है, इशू चेक करने की, उस दिन उसके अकाउंट्स में यानी उसके जो बैंक बैलेंस है सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए,
कि उसने मान लो कि उसका 10 लाख रुपए का उसने चेक काट दिया और उसके बैंक में जो बैलेंस है वो तो सिर्फ 1 लाख का ही है, तो फिर वो समस्या आ सकती है उसको, क्योंकि उसके सफिशेंट बैलेंस ही नहीं है। क्योंकि इस मंथ में जब आप ऑडिट करवाओगे 31 मार्च की, तो जो चेक है वो 29 तारीख को ही वो काटेगा, क्योंकि 30 और 31 दो दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे बैंक बंद रहेगा, तो 1 या 2 तारीख को अपना चेक क्लियरिंग में लगाएगा। यानी 29 तारीख को भी आपके जो बैंक में जो फंड है वो सफिशेंट फंड होना चाहिए, तभी वो एंट्री है जेन्युइन एंट्री और जेन्युइन ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। अदरवाइज वो जेन्युइन एंट्री और ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो तो आपने बस चेक काट दिया और अपने पास ही रख लिया, ये मान लिया जाएगा। तो सर हम मान सकते हैं भी चेक मतलब काट दिया 28 तारीख को 27 तारीख को काट दिया, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के दौरान 2 दिनों की छुट्टी भी है, ठीक है, हो सकता है वो बैंक गवर्नमेंट अगर उनको कहे तो उस दिन हो सकता है भी बैंक खुले रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए वो चेक बैंक में पास नहीं होता है, तो आप ऑडिट के टाइम ये भी देखोगे भी जब तक हमारी ऑडिट होती है तब तक वो चेक क्लियर हो चुका था कि नहीं? चेक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन भी बंदा बना के रखेगा, यदि उसके सफिशियंट फंड ही नहीं है तो चेक काटना ही नहीं चाहिए उसको, ये चेक उसने गलत काटा है, उसकी इंटेंशन गलत है, सिर्फ अपने क्रेडिटर्स को डिसअलाउड के चक्कर में उसने सिर्फ ये चेक काटा हुआ माना जाएगा और डिसअलाउड ही मान लिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोगों ने ये बात भी पूछी थी, हमने क्रेडिट्स को कम दिखाने के चक्कर में एक बार हम चेक तो काट देते हैं लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रेडिटर्स की अमाउंट शो नहीं करेगी, अभी उसके बाद के अंदर उस चेक को हम वापस एंट्री को वापस मतलब चेक को डिलीट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो हमारी बैंक बैलेंस और हमारी एक्चुअल बैंक के जो अकाउंट स्टेटमेंट है इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आते हैं तो हमें ऑडिट के दौरान एक्सेल शीट के अंदर उसका प्रॉपर रिकंसिलेशन भी करके रखना पड़ेगा भी डिफरेंस आने का रीज़न क्या रहेगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोग और बिजनेसमैन ये बात पूछ रहे हैं भी, लोग कह रहे हैं भी आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ होगा, कोई ये बात बोल रहा है भी आपकी सैलरी क्रेडिटर की अमाउंट है जो वो डिसअलाउ होगी, यानी कि मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये का सामान खरीदा, 18% मैंने GST दे दी यानी कि 18 रुपये का मैंने टैक्स पे कर दिया, टोटल अमाउंट 118 रुपये की बनेगी क्रेडिटर्स की, मेरी बैलेंस शीट के अंदर 118 रुपये का क्रेडिटर बैलेंस है वो खड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं 118 रुपये का विद इन टाइम पीरियड यानी कि 45 दिन के अंदर पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मेरा जो इनकम के अंदर ऐड होगा वो 118 रुपये ऐड होगा या जो मैंने खर्चा बुक किया 100 रुपये का वो ऐड होगा? इसमें 3 एक्ट लगते हैं जो बिजनेस इंडस्ट्री पे जो आपके क्वेश्चंस पे, एक जो कानून है वो लगता है GST का, जो आपने कहा कि मैंने 100 रुपये का माल खरीदा 18 रुपये मेरे पे GST लग गया तो 118 रुपये का इनवॉइस है आपके पास, जो 18 रुपये है यानी इसकी जो पेमेंट करने की समय अवधि है GST में वो तो 180 दिन है, वो तो 180 दिन में पेमेंट करेगा। दूसरा MSME एक्ट है, वो कहता है कि नहीं जी इसकी जो पेमेंट आपको 45 या 15 दिन जो भी आपके एग्रीमेंट में है जो टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें करनी है। और इधर जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है कि यदि आपने वो पेमेंट नहीं करी 45 दिन में 15 दिन में तो वो खर्चा है आपका वो डिसअलाउड मान लिया जाएगा। तो आपके केस में आपने 100 रुपये का माल खरीदा है, 18 रुपये GST है, 118 रुपये आपका टोटल इनवॉइस है यानी आपकी जो बुक्स में क्रेडिटर्स होंगे वो 118 रुपये के ही हैं वैसे, क्योंकि 118 रुपये आपने पेमेंट करनी है, तो लेकिन जो डिसअलाउड होगा वो 100 रुपये होगा, 18 रुपये डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि 18 रुपये तो आपकी एज ए लाइबिलिटी है जो कि आपका खर्चा है ही नहीं, वो तो बैलेंस शीट में चला गया, खर्चा है सिर्फ 100 रुपये का, क्योंकि या तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा यानी P&L अकाउंट में, या फिर वो हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में है, यानी जो डिसअलाउड होगा इस सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा है उसमें सिर्फ 100 रुपये होगा, 118 रुपये नहीं होगा। यानी कि टैक्स ऑडिट जो आप कर रहे हो वो MSME एक्ट की नहीं कर रहे, आप इनकम टैक्स की ऑडिट कर रहे हो, तो यानी कि इनकम टैक्स के अंदर हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितनी अमाउंट डाली है वो आपकी डिसअलाउड होगी अगर आपने टाइम पीरियड के दौरान अगर पेमेंट नहीं करती हो तो। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लोग भी पूछा जा रहे हैं भी अगर कोई MSME है, अब मान लीजिए उसने अपने सप्लायर्स को सर्टिफिकेट दे दिया हो, लेकिन सर्टिफिकेट अब वो सर्टिफिकेट आपका जो ऑडिट करवाने आया अकाउंटेंट वो आपको नहीं बता रहा भी मेरे पास MSME सर्टिफिकेट आया, आप उसे ये डिमांड कर रहे हो भी सर्टिफिकेट दिखाओ, वो कहेगा भी मेरे पास आया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या माना जाएगा? यदि कोई सर्टिफिकेट आया ही नहीं हमारे पास तो हाँ, CA के पास कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन जाके वेरीफाई करेगा कि इस कंपनी में रजिस्टर्ड है या नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। इस केस में वो क्या करेगा, ये मान लेगा कि वो सर्टिफिकेट उसने इशू नहीं करा तो वो अपनी डिस्क्लोजर है जो टैक्स ऑडिट में दे देगा कि ये इन्फॉर्मेशन वो जो क्लाइंट है वो देने में असमर्थ है, यानी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। तो इस केस में जो भी निर्णय लेना है बाद में यदि उसका केस रीओपन होता है तो वो इनकम टैक्स
देखेगा इसका क्या होना है, लेकिन सीए अपनी वो टैक्स ऑडिट में डिस्क्लोजर दे देगा। लेकिन अधिकांश जो आज की डेट में देखा जाए तो वो सारे इस एमएसएमई के सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो तो आजकल तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ये लो पेमेंट मांगता ही नहीं बंदा, पेमेंट नहीं मांगता वो, एक धीरे से एक सर्टिफिकेट भेज देता है कि ये लो मेरा सर्टिफिकेट है जी, और समझ लो इसको अपने आप ही। ये बड़ा एक ट्रेंड चला है आज का, तो एक सर्टिफिकेट तो आजकल वैसे ही आ जाएंगे, वो कहेंगे जी ये लो सर्टिफिकेट। तो कहते हैं मतलब आजकल जो डायरेक्ट पेमेंट के लिए फ़ोन नहीं कर रहा, सीधा व्हाट्सएप के ऊपर अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट उसको भेज देता है, भी समझने वाला समझ जाएगा भी इसके पास एमएसएमई, इसके मेरी पेमेंट देने की लाइबिलिटी हमारी बन रही है, तो हमें 31 मार्च तक पहले पहले सारा पेमेंट इसका क्लियर करना पड़ेगा। आप मुंजी वो जो सर्टिफिकेट उसने भेजा है उसको ऑनलाइन वेरीफाई जरूर कर लें कि वो जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो में है, स्मॉल में है, ये मीडियम इंटरप्राइजेज है, किस कैटेगरी की इंडस्ट्री है, ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको ऑनलाइन कैसे वेरीफाई करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसको आप जरूर देख लेना। अगर आपका जो सप्लायर है अगर वो मीडियम के अंदर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आपका सप्लायर अगर मान लीजिए आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन आप सीए को देना नहीं चाहते भी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सीए लोगों के द्वारा जो डिस्क्लेमर दिया जाएगा 3CD की रिपोर्टिंग के अंदर, और इन फ्यूचर अगर उस पार्टी का कोई केस ओपन होता है इनकम टैक्स के अंदर, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेसमैन की होगी जिसकी ऑडिट हो रही है, यानी कि उसने अपने ये शब्द कहे भी हमारे पास में सर्टिफिकेट है जो नहीं आया, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट आ गया, क्योंकि ये सीए की लायबिलिटी नहीं है भी, वो सभी से एमएसएमई के सर्टिफिकेट है जो इकट्ठे करेंगे। तो सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है भी एग्रीमेंट को लेके, अब अगर कह रहे भी अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप 45 दिन तक पेमेंट दे दोगे, नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट दोगे, लेकिन काफ़ी सारे टैक्स इनवॉइस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन के पॉइंट्स के अंदर जो पेमेंट देने की कंडीशन है वो 7 डेज ही है, कईयों में 10 डेज ही, यानी कि 15 दिन से भी कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या वो 15 दिन की जो वैलिडिटी उसने दी है टाइम पीरियड की, तो वो 15 दिन मानी जाएगी, 10 दिन मानी जाएगी या फिर 45 दिन मानी जाएगी? यदि टैक्स इनवॉइस में जो कंडीशंस उसने लिखी है 7, 10 डेज यानी 15 डेज से कम, इसका मतलब तो उसने एक्सेप्ट पहले ही कर लिया कि मेरे को जो पेमेंट है 7 दिन में करो या 10 दिन में करो, तो 15 दिन और 45 दिन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके इस आपके जो माइंड में है कि यदि उसमें 7 दिन लिखा है तो मैं तो 45 दिन में पहले पेमेंट नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। उस पर 45 दिन के रूल लागू होंगे, उस पर जो नियम लागू होंगे 7 डेज के लागू होंगे, यानी वो तो 45 और 15 वो तो अधिकतम लिमिट सीमाएँ हैं उसकी, ये नहीं है कि अब यदि उसके टैक्स इनवॉइस में 7 डेज लिखे हुए हैं तो मोहन जी उस केस में 7 डेज ही मान्य होगी और 7 डेज में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 7 डेज में पेमेंट नहीं करता तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर सकता है वो बंदा। तो यानी कि अगर आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर जो कम समय लिखा हुआ है वो वैलिड माना जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन अब लोग ये भी कह रहे हैं भी हमारे को सप्लायर्स ने जो सामान भेजा है वो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है लेकिन हम उसकी पेमेंट देने में समर्थ नहीं है क्योंकि वो स्टॉक अभी तक सेल भी नहीं हुआ है, और क्रेडिटर भी हमारे को साथ में है वो कह रहा है भी आप कोई बात नहीं आप हमें इसकी पेमेंट स्टॉक को बेच के दे देना, चाहे वो आपका 6 महीने में बिके चाहे वो 5 महीने में बिके, हम आपसे 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं लेते, हम आपको लिख के दे देंगे, हम आपकी किसी तरीके की कोई कंप्लेन भी नहीं करेंगे। तो क्या इस तरीके से अगर कोई उनका कोई लिखित एग्रीमेंट होता है तो अगर वो सीए को दिखाता है तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर वो एग्रीमेंट माना जाएगा? इस सिचुएशन में एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि हो सकता है दो पार्टियों के अच्छे टर्म कंडीशंस है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो 180 दिन में पेमेंट करे, 90 दिन में करे, क्योंकि 180 दिन में जीएसटी में जो अधिकतम सीमा है उसके तहत वो कहेगा मैं तो 180 दिन में आपको कर दूंगा पेमेंट ताकि जीएसटी में उसका पंगा ना हो। तो इस केस में वो एग्रीमेंट है जो आपके जो एग्रीमेंट है वो नहीं माने जाएंगे, आपके जो एग्रीमेंट माने जाएंगे वो 45 और 15 दिन ही माने जाएंगे, यानी जो भी आपने एग्रीमेंट करना है वो 15 और 45 दिन के रूल है। आप घर बैठ के जो भी एग्रीमेंट तैयार करोगे दोनों पार्टियों के वो माने नहीं होंगे, इसलिए आप जो भी एग्रीमेंट तैयार करें उन इन चीज़ों को मद्देनज़र रख ही तैयार करें। और एक चीज़ और, अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम परचेज ऑर्डर या ये एग्रीमेंट कौन सा बनाएं, रिटर्न में बनाएं या स्टाम्प पेपर पे बनाएं, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है वो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, तो उस केस में तो ज़्यादातर वो पहले परचेज ऑर्डर मंगवाती है उसके बाद ही वो आपको माल देती हैं। जो छोटे लोग हैं तो वो तो फ़ोन पे देते हैं ऑर्डर और माल आ जाता है, उस केस में तो उनके पास कोई रिटर्न में ऐसा कोई एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि जो टैक्स इनवॉइस है उस पे नीचे टर्म कंडीशन वो लिख देते हैं
जो 15 दिन वो भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उस पर यदि उसने बिल काटा है तो इन्होंने एक्सेप्ट भी तो किया है। इस केस में कोई समस्या का समाधान है, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, तो आपको घबराने की चिंता नहीं है, वो भी वैलिड है बिल्कुल। तो आपको 100-500 ऐसे नहीं कि 500-500 रुपये के एग्रीमेंटों पर आप एग्रीमेंट लेने लग जाओ, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आएगी। तो यानी कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया था भी एग्रीमेंट के अंदर हमें लिखना क्या है, तो एग्रीमेंट में आपकी बात क्लियर होगी कि आप अगर पास कोई टैक्स इनवॉइस है उसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है, आपके पास परचेज ऑर्डर है उसके अंदर ये कंडीशन लिखी हुई है, तो आपको कोई लिखित के अंदर कोई लेटर एड पे कोई स्टाम्प पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप डेफिनेटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके, अपनी बिजनेस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर आप लोगों के कमेंट भी शामिल किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की और भी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक